अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 12 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेगा। ये घेराव प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक जेसीसी की बैठक नहीं बुलाए जाने पर किया जाएगा। ये बात हमीरपुर जिला के भोटा में आयोजित हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कही। अराजपत्रित कर्मचारी संघ भोटा में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 400 से अधिक कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 12 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। ये घेराव प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक जेसीसी की बैठक नहीं बुलाए जाने पर किया जाएगा। ये बात हमीरपुर जिला के भोटा में आयोजित हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कही। अराजपत्रित कर्मचारी संघ भोटा में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। ऐसा एक संघर्ष राष्ट्रीय कर रहा है। चुनिंदा लोगों को धीरे 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 करके एक माला पहनाया गया। वो इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 400 से अधिक कर्मचारी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपिन कुमार डोगरा और बीएमएस के प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी ने अपने विचारों से कर्मचारियों में जोश भरा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कहा कि 5 साल कांग्रेस सरकार और 2 साल से बीजेपी सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा सौंपे गए 56 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को संघर्ष की राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कर्मचारी नेताओं की सरकार को 12 दिसंबर से पूर्व वार्ता के लिए नहीं बुलाते तो कर्मचारी धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। आज अपना 54वां स्थापना दिवस जो है भोटा में मना रहा है और इसके लिए मैं बतौर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। आज महासंघ 54 साल का हो गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि महासंघ जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो तरक्की कर रहा है और आगे जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आज यहाँ सभी जिलों के लगभग 400 कर्मचारी नेता जो हैं वो पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का मकसद ये ठीक है कि जहाँ स्थापना दिवस मनाना है उसकी खुशियाँ हमने जो है वो शेयर करनी है, वहीं कर्मचारी मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन करने की भी ज़रूरत है। पिछले 7 सालों से प्रदेश के कर्मचारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो अनअटेंडेड हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार एक भी मुद्दा कर्मचारियों का हल नहीं कर पाई। एक सिलसिलाकार समिति की बैठक हुई, वो भी बेनतीजा साबित हुई और प्रदेश के कर्मचारियों ने दुखी होकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान किया। हमें उम्मीद थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश के कर्मचारी सत्ता में लाए हैं वो जल्दी ही कर्मचारियों के जख्मों में मरहम लगाने का काम करेगी, लेकिन 2 साल इस सरकार को भी आय हो गया और विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से हमने कई प्रकार की रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन सरकार को सौंपे, लेकिन सरकार ने संघ सलाहकार समिति की बैठक आज तक नहीं की। 56 सूत्री मांग पत्र हमने सरकार को प्रेषित किया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। प्रदेश के कर्मचारी हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही कर्मचारी मांगों का निपटारा भी चाहते हैं और ये कतई नहीं चाहते कि हम सरकार को कोई टेंशन दें या सरकार के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन अगर सरकार हमारे मुद्दों को संजीदगी के साथ या सीरियसनेस के साथ अटेंड करना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, तो सिवाय संघर्ष के हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। तो आज हम यहाँ यही चिंतन मंथन कर रहे हैं और कोर कमेटी की मीटिंग सब सुबह हुई जिसमें ये फैसला हमने लिया कि विधानसभा का सेशन धर्मशाला में होने जा रहा है। तो 12 तारीख को प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा को घेरेंगे। या तो सरकार 12 तारीख से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करे, एनजीओ फेडरेशन को संघ सलाहकार समिति की बैठक के माध्यम से तुरंत उन मांगों का जो ज्वलंत समस्या 56 सूत्री मांग पत्र जो हमने सौंपा है उसको निपटाने के लिए वार्ता बुलाए, और अगर सरकार वार्ता बुलाती नहीं, बैठक करना चाहती नहीं या किसी एनजीओ फेडरेशन को मान्यता देती नहीं, कई बार भाना सरकार जब भी हम मिले हैं
सरकार के मंत्रियों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके गुट बहुत हैं इसलिए मुश्किल होता है सलाहकार समिति की बैठक करना। हमारा यही अनुरोध रहा है उनसे कि पूरे 1966 ऑनवर्ड अगर एमजे फेडरेशन का इतिहास देखें तो गुटबंदी, हदबंदी, धड़ेबंदी हमेशा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो मेजोरिटी देखे कि जिस कर्मचारी नेता के साथ मेजोरिटी है उसको वार्ता के लिए बुलाएं, या फिर जो सरकार को सूट करता है कर्मचारी नेता उसको बुलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि तुरंत सरकार वार्ता करे, किसी भी धड़े के साथ सरकार वार्ता करना चाहे, कोई किसी तरह का गिला नहीं, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों को इस आड़ में बड़ी देर तक ठंडे बस्ते में डाला नहीं जा सकता। और अगर ऐसा सरकार करती है तो हम मजबूर होते हैं, और 12 तारीख को धर्मशाला में जो है वो हमने तय किया है कि हम विधानसभा को घेरेंगे।